हम इसमें हाफिज गुलाम मोहिउद्दीन साहब हमारे साथ हैं, बड़ी क्यादत में इनका नाम आता है, बहुत पुराने जाले हैं, भुट्टो के साथी रहे हैं ये। इनसे पूछते हैं जी, क्या आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में, यह हालात क्या है? मैं आपका बड़ा मशकूर हूं कि आपने मौका दिया। पाकिस्तान इस वक्त जिन हालात से गुजर रहा है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सारे पाकिस्तान में एहतजाज कर रही है, और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पूरे पाकिस्तान में चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने एहतजाज की कॉल दी हुई है, लोग इसमें हज़ारों की शक्ल में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और महंगाई के खिलाफ सड़कों पे हैं, और मैं समझता हूँ कि हुकूमत को शर्म करनी चाहिए और महंगाई के हाथों लोगों को जो उन्होंने अजियत देनी शुरू की हुई है उनको बंद करना चाहिए। पेट्रोल भी और आटा भी, दालें भी, सारे कुछ जो महंगाई हो चुकी है उसको कम करना चाहिए ताकि लोग सुख से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें भरपूर किरदार अपना अदा कर रही है इस महंगाई के खिलाफ। थैंक यू, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत। सरदारी साहब के कॉल पर हम लोग आज एहतजाज कर रहे हैं, और लास्ट फ्राइडे को भी हमने एहतजाज किया। जैसा कि आप सबको पता है कि इंटरनेशनल लेवल पे पेट्रोल सस्ता हो चुका है, लेकिन इस पार्टी पे कोई जू तक नहीं रिगरी। इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ जो कहते थे 1,000 1,00,000 हम जो नौकरियां देंगे, घर देंगे, और आज लोग अपने घर से भी बेघर हो चुके हुए हैं, और सारी आवाम आपके सामने खड़ी है। पहले गरीब आवाम की बात थी, अब पूरे पाकिस्तान की बात है। घर में किचन चलाने को औरतों के पास कुछ नहीं है, गैस भी नहीं है। एक सर्दियों में गैस का प्रॉब्लम इतना शिद्दत से आ गया है, लेकिन इस नाअहल हुकूमत को जू तक नहीं रेंग रही कि आवाम पर क्या गुजर रही है। प्लीज़ आप लोग, मैं इमरान खान से दरख्वास्त करूँगी कि आप रिज़ाइन करें, कि जैसे आप कहते थे आटा महंगा होगा वज़ीर आज़म चोर होगा, चीनी महंगी होगी वज़ीर आज़म चोर होगा, अब आपको चाहिए कि आप खुद रिज़ाइन करें और किसी अहल लोगों के हवाले हुकूमत करें ताकि वो आवाम का दुख दर्द समझ सके। बहुत शुक्रिया। देखें, जो जमहूरी हुकूमतें होती हैं उनमें हमेशा अपोजिशन का काम होता है कि वो हुकूमत को नकेल डाले और उसे खुद सर ना होने दें। पीपल्स पार्टी ने अपना वही फ़र्ज अंजाम दे रही है कि ये हुकूमत जो मूज और घोड़े की तरह हो चुकी है। हम पहले कहते थे कि पंजाब में लोगों के बेनिफिट्स हैं, लोगों के कामकाज का ताल्लुक जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, लेकिन अब पता चले कि इस्लामाबाद में जो शख्स हम बैठाएँ वो ऐसा ना हो कि लोगों को महंगाई के बम मारे। तो अब वज़ीर आज़म भी बहुत अहम हो गया इस मुल्क में, तो हम नहीं समझते कि इमरान खान इस काबिल है कि वो वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठे। हम उन्हें बार बार कह रहे हैं कि आप बार बार यू टर्न ले रहते हैं, बिल्कुल उस घोड़े की तरह है जो वज़न उठाने के लिए तैयार नहीं है और जगह जगह ऐसे पीछे की तरफ चल पड़ता है या बैठ जाता है। तो खान साहब यहाँ यू टर्न ले लेते हैं वापसी का। तो खान साहब, अगर आपसे ये टांगा नहीं चल रहा, ये पाकिस्तान की हुकूमत नहीं चल रही, तो मेहरबानी करके आप इससे माफ़ी दे दें और उन लोगों को आने दें जो लोगों की नुमाइंदा जमात है, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसका मतलब ही लोगों की जमात है, तो उस हुकूमत को आने दें।
लोगों को रास्ता दें, लोग आपके खिलाफ सड़कों पे निकल आए हैं, आप इस बात को समझ लें कि अवाम का पारा बहुत हाई हो चुका है और इससे पहले कि कोई इनकलाब आए या नौजवान जो हैं वो चोर बन जाएं, डाकू बन जाएं इस मुल्क के और खून रेजी हो, खाना जंगी हो, उससे पहले मेहरबानी करके आप ये तख्त इस्लामाबाद से उतर जाएं, मेहरबानी करके और बनी गाला की पहाड़ी पे चढ़ के बैठ जाएं जो आपको सूट करती है। जी बहुत शुक्रिया सर। जी ये थे जी फाइनेंस सेक्रेटरी पंजाब आसिम महमूद भट्टी साहब, जो कि आज के एहतजाज के बारे में और महंगाई के बारे में जो कुछ गाइड कर रहे थे। तो इसके अलावा और दीगर लोगों से भी जो हमारी बात हुई है वो यही बता रहे हैं कि महंगाई का रोना रो रहे हैं, तब्दीली सरकार के खिलाफ ही अपनी जो एहतजाजी रैली के बारे में गाइड कर रहे थे। जी बहुत शुक्रिया। परे हट जा यार, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर ने जो है वो इस बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ जो है सरापा एहतजाज बनी हुई है। चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो गरीबों की जमात है और इस मुल्क के गरीब आवाम की नज़रें जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर लगी हुई हैं। आज हर तबका जो खुशहाल तबका था वो भी बेहाल हो चुका है। आज हर तबका जो है वो नज़रें जमाए बैठा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बात ऐसी जमात है जब भी इस मुल्क का हाल बुरा होता है, जब भी इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन को रोंदा जाता है, जब भी मुल्क में गरीबों का जीना महाल होता है, जब भी इस मुल्क में अफरा तफरी पैदा होती है, जब भी इस मुल्क में जो है इदारे गैर महफूज होते हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आकर जो है इस मुल्क की भाग दौड़ को संभालती है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ तमाम नजरें जमी हुई हैं, लाहौर पीपल्स पार्टी यहाँ पर सरापा एहतजाज है और हमने एहतजाज शुरू कर दिया है और ये एहतजाज रुकेगा नहीं, क्योंकि आज जहाँ देखें वो इमरान खान न्याजी वो कहते हैं झंडा, उनको क्या झंडा बताना है, वो 90 दिन का जो एजेंडा था वो भाई 3 साल में पूरा करके दिखा दो, अगर 3 साल में 90 दिन का एजेंडा पूरा नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि तुम बिल्कुल नाकाम हो। तुम्हारी मिसाल तो इसी तरह ही है जैसे कि नई गाड़ी जो है वो किसी ड्राइवर को दे दी जाए, ऐसे ड्राइवर को जिसको गाड़ी चलाने का तरीका कार ना हो, तो उस गाड़ी का क्या हाल होगा, उसके इशारे भी टूट जाएंगे, उसकी साइडें भी खराब हो जाएंगी, उसका रंग भी खराब हो जाएगा। इसी तरह मुल्क की मौशियत, मुल्क में इस्तेहकाम, मुल्क में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन पर अमल नहीं हो रहा और मुल्क जो है अदम इस्तेहकाम का शिकार है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर में एहतजाज कर रही है और इंशाल्लाह ये एहतजाज हमारा महंगाई के खिलाफ जारी रहेगा। चलो 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 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब जुल्फकार अली भुट्टो शहीद और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद का वीएन अवाम तक पहुंचाने के लिए आज हमने ये मुजाहरा किया और हम समझते हैं कि इस गरीब अवाम को महंगाई से निजात सिर्फ बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी साहब दुआ सकते हैं। उनका जहन, उनकी सोच, उनकी मुदब्बराना कोशिश जो है उसको अवाम तक पहुंचाने के लिए और गरीब अवाम को शऊर और इनसे जान छुड़वाने के लिए हम उनके साथ हैं और आज हमने इसलिए इस महंगाई के खिलाफ अपनी जद्दोजहद की है ताकि गरीब अवाम को
रिलीफ मिल सके उसके लिए। माधव चौधरी के साथ मौजूद है जिन्होंने एमपीए का इलेक्शन लड़ा था। माशाल्लाह बहुत एक्टिव है और पसंदीदा माने जाते हैं नौजवानों में भी ये। देखते हैं इनके क्या ज़ाहरे ख्याल है जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया आपके चैनल का जिन्होंने मुझे वक्त दिया। आज हम भरपूर तरीके से इस नाहल इस करप्ट गवर्नमेंट के खिलाफ हम महंगाई का एक इत्तेजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं खुदा के वास्ते कि इस गवर्नमेंट को जल्द से अपने घर भेज देना चाहिए। और इंशाल्लाह ताला आने वाला वक्त पीपल्स पार्टी का है और आने वाले चेयरमैन हमारे वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं। तो मेरे जितने दोस्त मेरे जितने साथी यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं वो इस महंगाई के ख़िलाफ़ सुई गैस के बहरान के ख़िलाफ़ इस मुल्क को बचाने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। जी हम इस टाइम माशाल्लाह नदीम बेग साहब के साथ मौजूद है और इन्होंने इलेक्शन लड़ा है माशाल्लाह अभी ताज़ा ही बल्दियाती। देखते हैं इनका ज़ाहरे ख्याल क्या है जी इस टाइम जो हालात है या जो ये लोड शेडिंग के बारे में इन्होंने एहतजाज किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। जी अस्सलाम वालेकुम जी, अपना भट्टी साहब ये जो गवर्नमेंट है इसने गरीब को भूखा मारने की बजाय दफन कर दिया कब्र में कि कोई नाम ही ना ले। इस जमात ने ये जो पीटीआई है इसने पूरी गरीब आवाम को कब्रिस्तान में दफन कर दिया है। इतनी महंगाई कर दी है कि एक वक्त की रोटी खाने से लोग कासर हैं। और इंशाल्लाह हमारे बिलावल साहब चेयरमैन साहब इंशाल्लाह पूरी एफर्ट कर रहे हैं जल्द अज जल्द इंशाल्लाह ये गवर्नमेंट जाएगी और आने वाला वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। तारिक कंबोज साहब के साथ है यूसी 229 के। ये माशाल्लाह सदर है और जो इन्होंने मेहनत किया यूसी 229 में वो पूरा मेरा ख्याल लाहौर जानता है कि इनकी कितनी मेहनत है और आज जितने जुलूस के साथ ये आए हैं। देखते हैं तारिक कंबोज साहब क्या कहते हैं आज के एहतजाज के बारे में। जी सलाम अलैकुम सर। अल्हम्दुलिल्लाह अब पाकिस्तान के पीपल्स पार्टी के जियाले और जियालियाँ भाई और बहन बुजुर्ग जाग गए हैं और इस इमरान खान ने सबकी आंखें खोल दी हैं कि नून लीग ने क्या किया, पीटीआई ने क्या कर दिया। वहद एक पीपल पार्टी है जो आवाम की पार्टी है, वो जब भी इकतदार में आई है उन्होंने नौकरियां भी दी हैं, महंगाई को भी कंट्रोल किया है, हर घर घर में यानी कि उन्होंने खुशहाली लाई है पीपल्स पार्टी। इस दफ़ा भी हमारी यही कोशिश है, तमाम दोस्तों से आवाम से इल्तमास है कि इस दफ़ा अगला इलेक्शन भरपूर अंदाज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दें और पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म लाए अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। मार रोड के सामने पहुंचे, मैं कारकुनों का शुक्रिया अदा करता हूं और आज फिर हमारे चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने उनकी कॉल पर क्योंकि फ्री गैस नहीं मिल रही, लोगों के चूल्हे बंद हो गए, लोग अपने बच्चों को नाश्ता नहीं दे सकते, बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते और लोग आज जहां इस महंगाई में डूबे हुए हैं, जहां इस मुसीबत में डूबे हुए हैं, इस हुकूमत ने लोगों का जीना हराम कर दिया है, लोगों का सांस बंद कर दिया है और आज हम इनको खबरदार करना चाहते हैं कि अगर ये
कश्मीर की कस्बे की हो रही है, ऊपर से मिलती नहीं है, ऊपर से कोई घर के चूल्हे नहीं जलते। हम खबरदार करना चाहते हैं इस नामनहाद हुकूमत को। ये नामनहाद वजीर आजम कल कह रहा था गिलगित बल्तिस्तान में फिर वही बातें जो पहले कंटेनर का करता था कि यहाँ लोग नौकरियां लेने आएंगे। ये 4 साल हो गया हुकूमत को, अभी भी वही गर्दार बोलता है कि लोग बाहर से नौकरियां लेने आएंगे। हम इस हुकूमत की मजम्मत करते हैं, इस हुकूमत को कहना चाहते हैं कि खुदा के लिए आवाम की जान छोड़ दो। तुमने ये नाम नहाद हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है। हम इनको कहना चाहते हैं कि फौरी तौर पर जो तुमने सुई गैस की शहरों के अंदर जो लोड शेडिंग की हुई है इसका खात्मा किया जाए, और बिजली का भी, चूंकि लोगों को बिजली भी नहीं मिल रही, सुई गैस महंगा है, बिजली महंगी है, अगर जितना बैनल क्वामी आयल का रेट गिरा है, इसको चाहिए था कि लोगों को 20-25 रुपए पर लीटर पेट्रोल नीचे करता, डीजल नीचे करता, ताकि लोगों को सहूलत मिलती, मगर इसने बाहर जो है वो प्राइस जमीन पर गिर गई है, मगर इसने एक चंद दाने 5 रुपए जहाँ 25 रुपए फी लीटर बढ़ना था वहाँ 5 रुपए बढ़ाई है। हम इसकी मजम्मत करते हैं कि इमरान खान हुकूमत तुम अकल के नाखून लो, तुम लोगों के ऊपर एक जलजले की तमानत हो, एक सुनामी हो, लोगों का जीना हराम कर दिया है। हम तुम्हें खबरदार करते हैं कि ये जुलूस ये जुलूस अगर तुम बाज ना आए, अगर तुमने सुई गैस की लोड शेडिंग खत्म ना की, अगर तुमने और पेट्रोल कम ना किया, आटे के रेट कम ना किए, चीनी के रेट कम ना किए, तो हम फिर मार रोड के ऊपर धरना देंगे, फिर हम एक ऐसा जुलूस निकालेंगे जो लाहौर का एक तारीख सा जुलूस होगा। मैं तमाम दोस्तों का करना चाहता हूँ। मैं इस नाम नहाद हुकूमत को खबरदार करना चाहता हूँ कि एक बंदा जिसका नाम एडवर्स होता है, जब से कैंट के इलेक्शन में एक यूनियन काउंसिल में इसने इसकी मेहनत से 4000 वोट मिला, उससे लेकर अब इसने मेरे इलेक्शन में भी बड़ी जद्दोजहद की। इसके घर में इसका नया होंडा जनूबी छोड़ी का SHO उठा के ले गया है। मैं SSP को, IG को, लाहौर के CCPO को कहना चाहता हूं कि अगर वो होंडा हमारे घर ना पहुंचा और अगर तुमने बदमाशी बंद ना की, जाके एडवर्स होत्रे के घर में छापे बांधना किए, तो फिर हम छौड़ी के अंदर एक बड़ा धरना देंगे और इस हुकूमत को बताएंगे कि नजायज लोगों को तंग करना कितना मुश्किल काम होगा। और इंशाल्लाह ताला हम इसके होत्रे के साथ हैं। कोई भी वर्कर हो, कोई भी कारकुन हो, कोई भी अहदेदार हो, किसी के खिलाफ भी अगर कोई इंतकामी कार्रवाई हुई तो हम उसका नोटिस लेंगे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।